वेल गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो अभी मैं बैठा हूँ ऑल न्यू 8th जनरेशन टोयोटा कैमरी में, एंड यहाँ पे जो फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं जिस प्राइस ब्रैकेट में, दैट इज ट्रूली कमेंडेबल। तो चलिए करते हैं इसका कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू अलॉन्ग विद ऑन रोड प्राइस। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। सो गाइज, ये है ऑल न्यू टोयोटा कैमरी, इररेजिस्टिबल, इंटेलिजेंट, एंड इट्स अ ग्लोबली सोल्ड एग्जीक्यूटिव सेडान जो कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुई थी 1980 में, और अभी आप देख रहे हैं इसकी 8th जनरेशन। और इंडियन मार्केट में ये कॉम्पीट करती है होंडा अकॉर्ड, स्कोडा सुपर्ब एंड VW पसाट के साथ। प्लस ये सिंगल वेरियंट में ही ऑफर करी गई है, प्लस इट्स अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ सेल्फ चार्जिंग मोटर। सो फ्रेंड, मिलते हैं वेरी पावरफुल हेडलाइट यूनिट। तो दीज आर डस्ट सेंसिंग LED प्रोजेक्टर हेड लैम्प विद ऑटो लेवलिंग एंड फॉलोमियम लैम्प फंक्शन। LED डेटम रनिंग लाइट्स भी ऑफर करी गई हैं। फ्रंट एंड रियर में मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स, और ये है LED फॉग लैम्प। इसी के साथ फ्रंट में ग्लॉसी ग्रे फिनिश में दी गई है बहुत ही बिग एंड शार्प डिज़ाइन की फ्रंट ग्रिल, विच लुक वेरी वेरी एग्रेसिव। और कैमरी बिल्ट अप है टोयोटा के न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड इस लग्जरी सेडान की डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। कैमरी की लेंथ है 4885 mm, जो इवन फॉर्च्यूनर से 100 mm अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा है। और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, टर्निंग रेडियस इज 5.8 meters, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है 50 liters की। और इस एग्जीक्यूटिव सेडान में आपको मिलती हैं ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, जो कि बहुत ही प्रिसाइज ब्रेकिंग पावर ऑफर करती है। और सस्पेंशन सेटअप में यहाँ पे टॉप क्लास मिलेगा, यू गेट अ वेरी स्टेबल एंड कंपोज राइड क्वालिटी ऑन हायर स्पीड्स एंड इवन ऑन अनइवन रोड्स एंड रफ रोड पैचेस। और यहाँ पे मिलती है हाइब्रिड की बैजिंग, एंड दीज आर ऑटो फोल्डिंग ORVM, और जो विंग मिरर्स है उस पर आपको मिलती है हाइड्रोफिलिक कोटिंग, तो हैवी रेंज में भी आपको बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी मिलती है और वाइडर व्यू भी मिलेगा। एंड दीज आर वेरी स्टनिंग मल्टी स्पोक सिल्वर कलर अलॉय व्हील्स 18 इंचेस के, 235/45 सेक्शन टायर्स ऑफर करे गए हैं। और यहाँ पे बी पिलर मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, विंडोज के पास भी यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया, और डोर हैंडल भी आपको क्रोम में ही मिलेंगे। और ये है मून रूफ। और यहाँ पे पैसेंजर साइड सीट पे भी आपको मिलती है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, सो यहाँ पे 10-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है विद 2-way लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट। मेमोरी फंक्शन आपको पैसेंजर साइड सीट पे नहीं मिलेगा, ऑल दो ड्राइवर साइड सीट पे अवेलेबल है। और इस सेडान में आपको मिलती है 3 years और 100,000 kilometers की वारंटी, प्लस वेरी स्ट्राइकिंग 7 color ऑप्शन में कैमरी ऑफर करी गई है, विच आर प्लैटिनम वाइट पर्ल, सिल्वर मेटालिक, एटीट्यूड ब्लैक, बर्निंग ब्लैक, रेड माइका, फैंटम ब्राउन एंड ग्रेफाइट मेटालिक कलर। एंड ये है वेरी आई कैचिंग LED टेल लैम्प, यहाँ पे साइड पेजेस दी गई है फॉर एफिशिएंट एरोडायनामिक एबिलिटीज, एंड इट लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड अप मार्केट। यहाँ पे साइड एप्लिक पे कैमरे की बैजिंग मिलेगी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग। एंड रियर में मिलता है डुअल टोन बम्पर विद रिफ्लेक्टर्स। ऑल्सो कैमरी में आपको मिलता है JBL का टॉप क्लास साउंड सेटअप 9 speakers के साथ, एंड ये है वूफर। ऑल्सो गाइस, टोयोटा की ये स्ट्रॉन्ग एंड टफ एग्जीक्यूटिव सेडान में आपको कर्व वेट मिलता है 1665 kg। अब बात करते हैं लगेज एरिया के बारे में, तो यहाँ से टेल गेट को ओपन कर लेते हैं की से, और जो टेल गेट है वो अंदर से आपको बहुत ही नीटली फिनिश मिलता है, विच फील वेरी प्रीमियम। और टोयोटा कैमरी में ऑफर करा गया है टोटल 597 का ह्यूमंगस कार्गो एरिया, एंड ये है वेरी ब्राइट लगेज लैम्प। और लेफ्ट साइड भी कुछ स्टोरेज स्पेस मिलेगा, एंड राइट साइड भी स्टोरेज एरिया दिया गया है। एंड ये है लगेज हुक्स, दोनों साइड लगेज हुक्स मिलते हैं, और इसको कुछ ऐसे अपलग कर देंगे तो यहाँ पे मिलती है टूल किट। और अब ये है हजार ट्राइंगल, एंड अगर हम इसको उठाते हैं तो ये है फुल साइज स्पेयर अलॉय व्हील, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 18 inches का यहाँ पे हमें स्पेयर टायर मिलेगा,
तो अब टेल गेट को भी क्लोज कर देते हैं। ऑल्सो गाइज, टोयोटा कैमरी इज लोडेड विद अबंडेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स, जो है 9 ईयर बैग्स, ABS with EBD and brake assist, brake hold function, vehicle stability and traction control system, reverse parking camera, front and rear parking sensors, impact sensing fuel cutoff, speed sensitive automatic door lock, tire pressure monitoring system, front seat belt with pretensioners and force limiter, driver and passenger seat belt warning with buzzer, smart key reminder warning, ISOFIX child seat mounts and anchors, इंजन इमोबिलाइजर विद अलार्म, एंड आपको मिलते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स। सो दिस व्हीकल इज फुली लोडेड विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। एंड गाइस, कैमरी में आपको मिलता है 4th जनरेशन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन विद सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक मोटर, 3 ड्राइविंग मोड भी हैं, जो है स्पोर्ट्स, इको एंड नॉर्मल। आप बोनेट को ओपन करते हैं, सो कैमरी में दिया गया है 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, जो है नेचुरली एस्पिरेटेड यानी विदाउट एनी टर्बोचार्जर। पावर है 178 PS, टॉर्क मिलता है 221 Nm का। ये ऑफर करा जा रहा है CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, जिसकी माइलेज है 23.27 KMPL। और यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट विच यू कैन ओपन वेरी कन्वीनियंटली। Also, Toyota is a very trusted brand and Camry is one of the best-selling executive sedan. और जो उसकी maintenance cost है, that is also very very low. और यहाँ पे मिलता है heads-up display. अब चेक करते हैं गाड़ी के interior features. Take me to Neverland. तो यहाँ पे मिलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, और ये है वाइड व्यू के साथ रिवर्स लिंक एंड हाइड्रोफिलिक कोटेड ORVMs। सो कुछ ऐसी आपको कैमरे की मिलती है 3 बटन्स के साथ एंड पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और ये है पुश स्टार्ट बटन। सो ये है कैमरे के इंटीरियर्स, वेरी लग्जूरियस इंटीरियर दिए गए हैं, जो कि हर नुक एंड कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील एंड टच ऐड करते हैं। फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको बियॉन्ड क्लास मिलेगी, और यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल यूज़ करे गए हैं, पियानो ब्लैक फिनिश एंड मेटल इंसर्ट्स, और डुअल टोन टाइप यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलता है, हाफ पार्ट बेज कलर में दिया गया है, हाफ पार्ट ब्लैक कलर में। सेंटर में यहाँ पे क्रीमिश कलर के आपको लेदर इंसर्ट्स मिलेंगे, और यहाँ पे स्टोन ग्रे इंसर्ट्स भी दिए गए हैं, और ये है एम्बियंट लाइट। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको सेंटर कंसोल मिलेगा, इसी के साथ यहाँ पे भी आपको मिलती है स्टोन ग्रे एंड मेटालिक पैटर्न इंसर्ट्स। सो गाइज, ये है सुप्रीमली कंफर्टेबल फ्रंट सीट्स विद बेज कलर लेदर अपॉल्स्ट्री, 10-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलेगी, 2-way लंबर सपोर्ट भी दिया गया है, और ये है कैमरी की स्किड प्लेट्स। और इधर नीचे आपको मिलेगा कुछ स्टोरेज स्पेस, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकली डिजाइंड है, यहाँ पे आप कीज प्लेस कर सकते हैं। और ये है फ्यूल लिड, देन बूट लिड, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएंगे दोनों। एंड अगर इस गाड़ी का कोई डोर ओपन है या इवन अगर टेल गेट भी ओपन है, तो आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे MID स्क्रीन में डिस्प्ले मिल जाएगा। इसी के साथ ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको मिलती है मून रूफ, जो कि कैमरी को और भी ज़्यादा स्पेशियस एंड एरी फील देती है। टिल्ट एंड स्लाइड दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एंड गाइज, ये है फ्रंट डोर के लुक, बिग साइज ग्लास एरिया मिलेगा, और ये है पेडल लैम्प, यहाँ पे मिलेंगे ट्विन बॉटल होल्डर विद मैप पॉकेट, स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पे डोर्स पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। साथ में ऑल 4 पावर विंडोज दी गई है, ऑटो अप एंड डाउन विद एंटी जैम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल एंड ऑटो विंग मिरर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे 2 मेमोरी सेटिंग्स मिलती है फॉर सीट, स्टेयरिंग एंड विंग मिरर्स।
तो अगर हम यहाँ पे मेमोरी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सीट एडजस्ट होगा, विंग मिरर आप देख सकते हैं एडजस्ट हो रहे हैं, एंड उसके बाद स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्ट होता है। तो अब ये तीनों चीज़ें ही कॉन्फिगर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलती है अंदर एम्बियंट लाइट, और यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में भी दी गई है, और यहाँ पे आपको भी मिलेगी एम्बियंट लाइट, एंड डैशबोर्ड पे भी एम्बियंट लाइट मिलती है, जो कि ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है, स्पेशली इन द नाइट। ऑल फोर फुटवेल्स पे भी आपको सेम ही कलर की एम्बियंट लाइट्स भी मिल जाती है। तो अब यहाँ से डोर को क्लोज कर लेते हैं। लेदर स्टिचिंग मिलेगी डोर्स पे, एंड मेटालिक फिनिश भी दी गई है, एंड ये लेदर स्टिच फ्रंट आर्मरेस्ट विच फील वेरी वेरी प्रीमियम। अंदर आपको बहुत ही ह्यूज स्टोरेज एरिया मिलता है, और यहाँ पे मिलती है हमें फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स विथ 3 लेवल और 3 स्पीड्स, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करेगी। और ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये है ईवी मोड यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड। इस पर आपकी कैमरे फुल इलेक्ट्रिक मोटर पे ही वर्क करेगी, एंड पार्किंग ब्रेक के साथ आपको यहाँ पे होल्ड का फंक्शन भी मिलता है। इसी के साथ 3 मोड्स अवेलेबल हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। सो ये 3 मोड्स मिल जाते हैं। इको मोड पर आप स्विच करेंगे तो यहाँ पे इको की नोटिफिकेशन आएगी, देन नॉर्मल एंड देन स्पोर्ट्स मोड। साथ में यहाँ पे कलर थीम भी चेंज हो रहा है, विच लुक वेरी वेरी स्टाइलिश। तो अब लगाते हैं रिवर्स गियर। सो गाइस, कुछ ऐसा आपको डिस्प्ले मिलेगा रिवर्स पार्किंग कैमरा का। बहुत ही वाइड व्यू दिया गया है, क्रिस्टल क्लियर व्यू है। MID में सेंसर्स का डिस्प्ले भी मिलता है, एंड यहाँ पे 2 वे से आप एडजस्ट कर सकते हैं व्यू को। और यहाँ पे आपको कैमरे में वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी, तो सिंपली आप फोन को अपने प्लेस करेंगे एंड इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स चार्जिंग। एंड इसके बीनीथ भी कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया, जो कि वेरी प्रैक्टिकली डिजाइंड है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और ये है USB एंड ऑक्सिलरी पोर्ट फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलता है लॉकेबल ग्लव बॉक्स, काफी ह्यूज साइज का ग्लव बॉक्स दिया गया है, साथ में अंदर एक लैम्प भी मिलेगा। एंड गाइस, कैमरे के इंटीरियर्स विदाउट एनी सिंगल डाउट बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिशिंग एंड आउटस्टैंडिंग फील देते हैं। यहाँ पे मिलते हैं JBL के ट्विटर्स, लेफ्ट साइड भी अवेलेबल हैं, राइट साइड भी अवेलेबल हैं। ऑल्सो कैमरे में आपको मिलेगा हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि शुगर है डिजिटल टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, कंपास एंड अदर रेलिवेंट स्टफ, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर एक्सेट्रा। एंड गाइस, दिस सेंटर कंसोल लुक वेरी वेरी एलिगेंट। ब्लू कलर की ओवरऑल हमें कैबिन में बैकलाइट एल्यूमिनेशन मिलती है, और ये है 3-जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। ऑल्सो गाइस, कैमरे में ऑफर करी गई है टॉप नॉच नैनो ई की आयन जनरेटर टेक्नोलॉजी, जो कि रिफ्रेशिंग नैनो ई पॉजिटिव आयन जनरेट करती है, जो कि मॉइस्चराइज करेगी आपकी स्किन को एंड हेयर को, एंड साथ में ये डिओड्राइज करेगी कैबिन को, ताकि आपको मिल सके फ्रेश एयर इनसाइड द कैबिन। एंड गाइस, दिस इज द 8 inches टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दैट वी गेट इन कैमरी। इंजन मॉनिटरिंग भी शो करता है कि बैटरी कितनी चार्ज्ड है, साथ में ट्रिप इन्फॉर्मेशन भी शो करेगा, जैसे कि एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, डिस्टेंस टू MT एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी के साथ जो ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, ये सपोर्ट करेगा USB, ऑक्स, ब्लूटूथ, रेडियो, DVD, मिरर लिंक एंड नेविगेशन को। यहाँ पे आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेटिंग्स मिल जाती है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एनेबल, डिसेबल कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो जनरल सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, फोन सेटिंग एंड दिस वॉइस सेटिंग यानी वॉइस कमांड सेटिंग। और यहाँ पे व्हीकल की सेटिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे हम मेंटेनेंस के रिमाइंडर लगा सकते हैं, जैसे कि टायर कब रिप्लेस करना है, बैटरी कब रिप्लेस करनी है, कूलेंट रिमाइंडर, एंड देन ये है टायर्स को रिप्लेस करने के रिमाइंडर, एंड पर्सनल रिमाइंडर भी हम सेट कर सकते हैं। प्लस गाइज, यहाँ पे आपको टॉप क्लास साउंड क्वालिटी मिलती है, JBL का ऑडियो सिस्टम अवेलेबल है, 9 स्पीकर्स के साथ क्लैरिफी टेक्नोलॉजी मिलेगी, और यहाँ पे वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। इसी के साथ ये है पैसेंजर साइड सनशेड,
यहाँ पे मिलेगा वैनिटी मिरर विद लैम्प और ड्राइवर साइड सनशेड। यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर के साथ लैम्प मिल जाता है, बहुत ही ब्राइट लैम्प अवेलेबल है। और यहाँ पे दिया गया है ऑटो डिमिंग IRVM, साथ में टू फ्रंट कैबिन लैम्प्स मिलते हैं। एंड ये है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद स्टोन ग्रे एंड मेटल पैटर्न ट्रीटमेंट। एंड दिस इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम फॉर बोथ रेक एंड रीच, यानी कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिलती है। ऑल्सो गाइज, कैमरी में इजी एंट्री एंड एग्जिट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट फीचर अवेलेबल है। तो जैसे हम गाड़ी को पार्क कर लेंगे एंड इग्निशन ऑफ करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा। एंड जैसे ही हम दोबारा कार को ऑन करते हैं यानी इग्निशन स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारी सेट पोजिशन पर स्टीयरिंग व्हील दोबारा आ जाता है। तो इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फीचर। लेफ्ट साइड मिलते हैं ऑडियो एंड MID कंट्रोल्स, राइट साइड दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल एंड कुछ और ऑडियो कंट्रोल्स। ये है पेडल शिफ्टर्स, साथ में हेडलैम्प कंट्रोल्स एंड ये है वाइपर कंट्रोल्स। एंड ये है सुपर इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टैकोमीटर आपको इको, पावर एंड चार्ज भी शो करेगा। सेंटर में MID दिया गया जो कि शो करता है इको जोन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिजिटल क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर, कंपास, डिजिटल स्पीड। एंड यहाँ से आप ऑडियो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ ये है एनर्जी मॉनिटर, बैटरी की चार्जिंग एक्सेट्रा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। और ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसी के साथ फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। और यहाँ पे टर्न ऑफ सेटिंग्स मिल जाती हैं, पार्किंग सेंसर्स को ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। सेम गोज विद हेड अप डिस्प्ले। और ये है रियर सनशेड, तो यहीं से हम ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो वन टच में यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सनशेड यानी कि ब्लाइंड्स ओपन हो जाएंगे एंड वन टच में ही एक क्लोज हो जाते हैं। एंड ओवरऑल जो MID है उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको मिलता है ट्रिप कंट्रोल्स, ऑडोमीटर एंड ट्रिप मीटर कंट्रोल्स। और ये है कैबिन के इल्यूमिनेशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। एंड गाइज, इस पॉश एंड लग्जूरियस एग्जीक्यूटिव सेडान का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड ये प्राइस टोटली जस्टिफाई करती है द अमाउंट ऑफ फीचर्स यू आर गेटिंग। एंड गाइज, ये है रियर डोर की लुक। सो यहाँ पे आपको मिलेंगे स्पीकर्स, ट्विन बॉटल होल्डर्स और ये है पेडल लैम्प। स्किड प्लेट भी अवेलेबल है रियर में। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऑटो पावर विंडो, क्रोम फिनिश भी दी गई है पावर विंडो स्विच पे। एंड यहाँ पे लेदर फिनिश एंड मेटालिक फिनिश मिलती है डोर पैनल पे, जो कि बहुत ही प्रीमियम टच ऐड कर रही है। एंड दिस इज रियर मैनुअल सनशेड। और ये है रियर सीट्स के लुक विच ऑफर्स अटमोस्ट कम्फर्ट, लोअर बैक सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट टॉप नॉच दिया गया है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगी, अबंडेंस अमाउंट में लेग रूम एंड हेडरूम मिलता है इवन फॉर अ 6 feet पर्सन। और ये है रियर AC वेंट्स, इसके ठीक नीचे मिलेंगे आपको 2.1 ampere के 2 चार्जिंग सॉकेट। इसी के साथ यहाँ पे ग्रैब हैंडल में मिलेगा कोट हैंगर। यहाँ पे सेंटर में मिलते हैं 2 कैबिन लैम्प एंड दिस इज एम्बिएंट लाइट। एंड राइट साइड भी ग्रैब हैंडल पे दिया गया है कोट हुक। एंड यहाँ पे जो फ्रंट सीट बेल्ट दी गई है उनकी हाइट एडजस्टेबल है, तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप सीट बेल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, ये है रियर सीट आर्मरेस्ट, यहाँ पे ऑफर कर गए हैं 2 कप होल्डर्स। और इसी के साथ यहाँ पे टच पैनल पे आपको सारे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर रियर सीट्स, AC एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो गाइज, फ्रॉम दिस आर्मरेस्ट यू कैन ओपन एंड क्लोज द रियर सनशेड। एंड बोथ दी सीट्स आर रिक्लाइनेबल, सो यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की सेटिंग भी मिलेगी। और इसी के साथ गाड़ी का जो रियर AC वेंट है उसका टेम्परेचर भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर करती है रियर सीट आर्मरेस्ट। सो गाइज, यू गेट अ कम्प्लीट शॉफर ड्रिवन पैकेज इन न्यू कैमरी। एंड एज अ शॉफर यू विल बी इन दिस सीट। एंड इन केस अगर आपको ज़्यादा लेग रूम चाहिए तो ये जो फ्रंट सीट्स हैं आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्विचेस अवेलेबल हैं लाइक अ प्रॉपर एग्जीक्यूटिव सेडान, तो आप इसको आगे कर सकते हैं। सो बाय दिस वे यू कैन हैव मैसिव अमाउंट ऑफ लेग रूम।
और यहाँ से हम लगेज एरिया भी एक्सेस कर सकते हैं राइट फ्रॉम द रियर सीट्स। सो गाइज, ये न्यू कैमरी में आपको टॉप क्लास लग्जरी ऑफर करी जा रही है। सो आपके क्या थॉट्स एंड रिव्यूज हैं न्यू कैमरे के बारे में, मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर आप टीम का डेट को अभी के भी सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। Yeah.